चार का चौका की शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले मानस आपके पास आ रहे हैं सस्ता ऑप्शन ट्रेड के लिए, बताइए क्या रहेगी ट्रेड? देखिए सस्ता ऑप्शन के लिए टाटा पावर के ऑप्शन में खरीदारी करनी है, फेब मंथ के 365 के कॉल ऑप्शन में खरीदारी करने की राय रहेगी, तो टाटा पावर का 365 का कॉल ऑप्शन फेब मंथ का खरीदिए, ₹16 के आसपास ये ऑप्शन ट्रेड हो रहा है, इस ऑप्शन में करंट लेवल पे खरीदारी करिए, ₹13 के नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है, आई थिंक 22 से लेकर ₹24 तक के टारगेट आपको टाटा पावर के 365 के कॉल ऑप्शन में देखने को मिल सकते हैं। ओके चलिए अब रचना जी के पास चलते हैं एफएनओ सुपरस्टार के लिए। रचना जी बताइए क्या रहेगा आपका ट्रेड? जी मेरा ट्रेड रहेगा श्रीराम फाइनेंस के फ्यूचर्स ऑफ द फरवरी मंथ, यहाँ पे 2353 पे है हम, अगर 2340 होल्ड करेंगे फ्यूचर्स पे, फेब फ्यूचर्स पे, तो हम बहुत जल्दी 2370 की तरफ जाएंगे। ओके तो यहाँ पे आपका ये स्टॉक आगे डे हाई की ट्रेजेक्टरी में आके ट्रेड करता हुआ श्रीराम फाइनेंस। अमित जी के पास चलते हैं चार्ट के चमत्कार पिक करने के लिए। अमित जी क्या पिक कर रहे हैं आप? जी विनय जी मेरी पिक रहेगी बीएल। बीएल का स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है स्टॉक में, आज हम एक अच्छा मूव देख रहे हैं 10 डेमा के ऊपर, और ऑफ लेट इसमें काफी स्ट्रेंथ रहा है स्टॉक में, अपना 20 डेमा भी काफी दिनों से वॉयलेट नहीं किया, हर पुल बैक में वहां पे एक बाइंग इंटरेस्ट देख रहे हैं। 191.60 का प्राइस है, स्टॉप लॉस लगभग रहेगा 188 रुपीज का, और टारगेट्स रहेंगे 197 एंड 200। ओके बी एल 191.60 पैकेट डे हाई पर, ये भी अभी कुछ देर पहले मैं इसकी चार्ज खरीद कर रहा था। बहरहाल चलते हैं अब आज का मिड कैप फंडा पिक करने के लिए अमरीश जी के पास। अमरीश जी क्या पिक कर रहे हैं आप आज मिड कैप फंडा? मेरा जो मिड कैप पिक है जेके पेपर है, वन ऑफ द लीडिंग प्लेयर्स है पेपर सेगमेंट में, मार्केट लीडर है ऑफिस पेपर सेगमेंट में, 30% मार्केट शेयर है, और पैकेजिंग बोर्ड में विद नियरली 20% मार्केट शेयर। इनका डिस्ट्रीब्यूशन फुटप्रिंट भी काफी अच्छा है, इट्स इन अबाउट 28 स्टेट्स 8 यूनियन टेरिटरीज, और कंपनी एक्सपोर्ट करती है टू नियरली 60 कंट्रीज अक्रॉस द वर्ल्ड, और लास्ट ईयर इन द सेंस 2022 में इन्होंने कॉरोगेटेड पैकेजिंग बिजनेस भी एक्वायर किया था, दैट इज कमिंग बैक ऑन ट्रैक। Q2 का परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा था, रेवेन्यू ग्रोथ वाज अबाउट 74%, एबिटा वाज अप 145%, और मार्जिंस करीब 33% के थे, सो आई एक्सपेक्ट अ रिपीट इन Q3, और नेट डेट भी कम हुआ है, और अभी हम लोग देख रहे हैं कि पेपर प्राइसेस भी स्लोली इंक्रीज हो रहे हैं, तो यहाँ पे मेरा एक्सपेक्टेड ईपीएस फॉर FY25 करीब 78 का है और FY26 का 90 का है, तो मीडियम टर्म टारगेट 468 का है और लॉन्ग टर्म टारगेट मेरा 560 का है। ओके जेके पेपर, अब आपके स्क्रीन पे एक एक करके चारों ट्रेड्स रखूंगा जो स्क्रीन पे आए थे। मानस जायसवाल जी से हमने आज की इस श्रृंखला को चार का चौका की शुरुआत की थी। आज का सस्ता ऑप्शन ट्रेड टाटा पावर की 365 की कॉल फॉर इट पॉसिबल आगे 22-24 ऑन द हायर साइड। उसके बाद हमने पिक किया आज का एफएनओ सुपरस्टार रचना वैद्य जी के सौजन्य से श्रीराम फाइनेंस। अमित जी ने पिक किया चार्ट का चमत्कार BL 191.65 के लेवल पर ट्रेड करता है फॉर अ पॉसिबल टारगेट ऑफ 197, और मिड कैप फंड आज जेके पेपर अमरीश जी के सौजन्य से आया 944। एक बार थोड़ी सी स्कैनिंग और करते हैं इंडेक्स क्या कर रहे हैं। इंडेक्स एज ऑफ नाउ 21400 की ट्रेजेक्टरी को पकड़ के बैठा हुआ, और बैंक निफ्टी अगर आप आज के इंट्राडे हाई से कंपेयर करें